पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, क्या हम अपने बच्चों को चर्च जाने से रोकते हैं। आज हमने ये विषय इसलिए लिया कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चों में प्रभु के प्रति भक्ति और श्रद्धा कम होती जा रही है। उनको प्रभु के बारे में और प्रभु के प्रेम के बारे में, कौन यीशु है, कलीसिया के बारे में, संतों के बारे में, प्रभु के दुख भोग के बारे में, बाइबल के बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। मैं अक्सर सुनता हूँ कि चर्च का समय सुबह 7:30-8 बजे का रहता है मिसा बलिदान का, तो लोग कहते इतनी जल्दी, एक ही दिन तो मिलता है हमें संडे आराम करने का, खेलने का, इतनी जल्दी कौन चर्च जाता है, कि चर्च का टाइम चेंज कर दो। बहुत सारे विचार अलग अलग आते हैं हमारे मन में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 7 दिन के अंदर 6 दिन तो आपके हैं और 1 दिन के अंदर 1 घंटा भी प्रभु का नहीं है। 6 दिन आप अपने काम काज में समय दे रहे हैं, अपने पर्सनल अपने व्यक्तिगत कार्य को समय दे रहे हैं, आप अपने 6 दिन अपनी मौज मस्ती में हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, किंतु 7वां दिन विश्राम का जो दिन है, हमें चर्च में जो जाना है, उस वक्त हमारे मन में ये विचार आता है कि मैं चर्च क्यों जाऊं, आज मैं छुट्टी कर लेता हूं चर्च की, खेलने चल जाता हूं, गेम खेल लेता हूं, दोस्तों के साथ में पिकनिक चल जाता हूं। ये सबसे बड़ा अपराध है और इन सब में हमारे माता पिता सहयोग दे रहे हैं इस पाप को बढ़ाने में, उन्हें ईश्वर के आशीर्वाद से वंचित कर रहे हैं। आप उन बच्चों में ईश्वर का प्रेम का बीज बोइए, आप उन्हें ईश्वर के वचन के बारे में समझाइए, जिसकी वजह से वह अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। आप उनके मन में प्रभु का बीज बो ही नहीं रहे, आप उन्हें गेम में व्यस्त कर रहे हैं। आज हम देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि मोबाइल से वह चुप हो जाएगा, और देखते हैं मोबाइल से चुप हो रहा है। यही शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हमें ईश्वर से, ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के राज्य से दूर कर रहा है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्यांश 14 और 15, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है, और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। स्वर्ग राज्य इन जैसे नन्हे बच्चों का है, क्योंकि उनके अंदर निस्वार्थता है, उनमें किसी प्रकार का कपट नहीं है, किसी प्रकार की चालाकी नहीं है, उनके अंदर किसी प्रकार का पाप कार्य नहीं कर रहा है। किंतु आज हम उन्हें पाप में डाल रहे हैं, हम आज मिस्सा बलिदान के बारे में, रोजरी के बारे में, प्रार्थनाओं के बारे में उन्हें बता ही नहीं रहे, उनके साथ में समय ही नहीं दे पा रहे। कैटेगिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च सिखाता है मिस्सा बलिदान में किस तरीके से भाग लेना है, किस तरीके से एक वेदी सेवक कार्य करता है, पवित्र वेदी क्या है, चर्च में हम किस तरीके से आना चाहिए, हमें जूते चप्पल कहाँ उतारने हैं, अपने साथ में बाइबल लाना है या नहीं, सब कुछ सिखाया जाता है, समय पर आना। किंतु आज हम सब कुछ को साइड में रखते हैं, कौन जाएगा, क्या जरूरी है, चर्च जाने से क्या होता है। आप ये भूल रहे हैं, आपके द्वारा ये जो छोटे छोटे पाप हैं, ये कल आपके जीवन से आशीषों को दूर कर देगा। आज अगर आप ईश्वर को समय नहीं देंगे, आपका बच्चा, आपकी बच्ची वह निराश हो जाएगी, वह हताश हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा के समय वह गिर जाएगी, वह टूट जाएगी, संभलने में उसका साथ कोई नहीं देगा। मैंने देखा है अक्सर एग्जाम में फेल होने पर बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, किंतु जो पवित्र वचन को पढ़ता है वह कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11-14, मैंने तुम्हारे लिए एक योजना निर्धारित कर रखी है, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे आशामय भविष्य के लिए। आज हम ईश्वर की योजनाओं को नहीं समझते हैं, कलीसिया सिखाती है, क्योंकि कलीसिया में सिखाया यही जाता है कि
प्रभु में आगे कैसे बढ़ना है, जीवन की कठिनाइयों में हम किस तरीके से सामना करें। वचन हमारा रक्षक है, वचन हमारा कवच है। चर्च में कोई भी गलत शिक्षा नहीं दी जाती है, चर्च हमें मजबूत करता है। वह प्रार्थना का मंदिर है, वहाँ पे ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर चाहता है कि मेरे बेटा और बेटी जीवन में कभी भी हताश ना हो, जीवन के हर एक मोड़ में आगे बढ़े, उनकी खुशियाँ सदा बनी रहे। उनके जीवन में अगर दुख दर्द आता है तो दुख को कैसे सहे, ये हमें सिखाया जाता है। हमें किसी मोटिवेशन क्लास की नीड नहीं है, हमें चर्च जाने की नीड है। आप बचपन से चर्च जाएंगे ना तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका विश्वास ईश्वर पर रहेगा, आपका भरोसा डगमगाएगा नहीं। अगर आप समय पर चर्च जाते हैं, बचपन से आपके अंदर प्रभु का बीज बोया गया है, आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। जीवन में कितनी भी दुख दर्द तकलीफ क्यों ना आ जाए, आप निराश नहीं होंगे, आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं। इसलिए प्रभु आज साफ साफ शब्दों में ये कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। कहीं हम अपने बच्चों को प्रभु के पास जाने से रोक तो नहीं रहे हैं? आपको ये जानना है, ये समझना है, कहीं हम ईश्वर के आशीर्वाद से बच्चों को रोक तो नहीं रहे हैं? ईश्वर की योजना से कहीं हम वंचित तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए आज ईश्वर हम सबको, हर एक माताओं को, हर एक पेरेंट्स को प्रभु कह रहा है, बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। संडे का दिन अगर चर्च का है तो चर्च का ही रहेगा। अगर मिस्सा बलिदान के बाद में या मिस्सा बलिदान से पहले अगर उनके लिए कैटेगरिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च, जिसमें वह कलीसिया की शिक्षाएं सिखाते हैं, उन्हें समय दीजिए, उन्हें भेजिए। आप 6 दिन उनको खेलने का मौका दीजिए, लेकिन 7वें दिन कम से कम आप उन्हें चर्च जाने दीजिए, और चर्च जाने के लिए आप जोर दीजिए, और साथ में आप भी जाइए। जब आप भी जाएंगे, आपके परिवार में आशीष आएगी, आप भी मजबूत होंगे, आपको देखकर आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। वचन कहता है फल से पेड़ की पहचान होती है कि अच्छा फल है या बुरा फल है, अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है। इसलिए बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उनको उनके जीवन में असफल होने देना चाहते हैं। जीवन के कठिन से कठिन समय में प्रभु का वचन उनका कवच बनेगा, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें मार्ग दिखाएगा। अगर आपने उनको चर्च जाने से रोका, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, वह जीवन में हताश हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सभी माता पिताओं से आग्रह करता हूँ, बच्चों को बाइबल पढ़ाइए, बच्चों को प्रभु के बारे में बताइए, प्रभु के बारे में शिक्षा दीजिए, संतों के बारे में बताइए, कलीसिया के बारे में बताइए, कैटेगरिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च के बारे में बताइए, उनके साथ में समय बिताइए, उन्हें प्रार्थना करना सिखाइए। आज कितने सारे बच्चे हैं जो कार्टून देखते हैं, उनको बहुत सारे एनिमेशन से कार्टून हैं जो प्रभु पर आधारित है, बाइबल स्टोरीज है, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, आप उनको दिखाइए, वह जान पाएंगे कि प्रभु बच्चों से कितना प्रेम करता है, प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, हमारा भविष्य ईश्वर के हाथों में कैसे है, ईश्वर ने लोगों का जीवन कैसे बदला है, दुख के समय में हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को चर्च जाने से मत रोकें, समय पर उनको चर्च ले जाइए और आप भी उनके साथ में चर्च में भाग लीजिए, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। सबको जय यीशु, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।